वेलकम लवर्स, आई एम सोनाली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मॉनसून का मेकअप ट्यूटोरियल, और ये होगा कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए, ऑफिस गोइंग गर्ल के लिए, जिसमें मैंने यूज किया ओनली एंड ओनली 5 प्रोडक्ट्स। और सच में ये बिल्कुल जेन्युइन वाला मेकअप ट्यूटोरियल है, मींस इसमें मैंने कोई आई शेडो, ब्लश, कॉन्टोरिंग, शॉन्टोरिंग नहीं दिखाई है, जो कि बिल्कुल जेन्युइन एक लड़की कॉलेज में और ऑफिस करके जा सकती है। मेकअप अपने प्रेफरेंस पे होता है, किसी को ज्यादा करना पसंद है, किसी को थोड़ा कम करना पसंद है, तो हमें जज नहीं करना चाहिए कि ओके वो बहुत ज्यादा मेकअप करके आती है या वो बहुत बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती, बिकॉज उसको आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये सब कुछ प्रेफरेंस के ऊपर होता है, तो जो ज्यादा प्रेफर करते हैं वो बोल्ड करेंगे, जिनको काफी नेचुरल लुक पसंद है वो कम करेंगे। सो मैं सबसे पहले ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का मेगा कुशन फाउंडेशन, और ये मानसून के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस, बिकॉज इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ड्यूई फिनिश देता है और वाटर को बिल्कुल आपके फेस पे रुकने नहीं देगा, तो ये बहुत अच्छा फिनिश देता है। और इसकी जो कवरेज है वो बहुत ही अच्छी कवरेज है, मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कोई फाउंडेशन लगाया है, बिल्कुल स्किन फिनिश जैसा आता है और इसका, और बिल्कुल आपके फेस पे लॉन्ग लास्टिंग रहता है। इसका जो कुशन है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एप्लीकेटर, तो इसे मैंने अपने हाफ फेस पे अभी लगा के दिखा रही हूँ आपको, आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी कवरेज मिल रही है, और ये है इसकी कवरेज गाइस, इट्स ऑसम। देन मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं ब्लू हेवन का UHD पाउडर, और 125 रुपीज़ का है, सारा शेड्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ये बहुत ही कवरेज तो नहीं देता, इनफैक्ट कोई कवरेज नहीं देता, लेकिन डेली बेसिस के लिए हमें ज़्यादा कवरेज नहीं, जस्ट थोड़ा सा मैट फिनिश चाहिए होता है, तो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट है। मुझे इसका फाउंडेशन का जो ग्लॉसी टिंट है वो अच्छा लगता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फेस को मैट नहीं करूँगी, मैं थोड़ा शाइन में ही रखूँगी उसे और हल्का हल्का लगाऊंगी। इसकी पैकेजिंग गाइस बहुत अच्छी है, 125 में ब्लू हेवन ने काफ़ी अच्छी पैकेजिंग दी है, तो इसे मैंने यूज़ किया है अराउंड माय नोज़ एंड फुल फेस, जस्ट लिटिल बिट अपने फेस को मैट करने के लिए, क्योंकि मेरी फेस जो है, स्किन जो है एक्चुअली वो थोड़ी ऑयली है। और अब मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज़ करूँगी NYB का काजल, ये बहुत ही अफोर्डेबल काजल है, इसका प्राइस आई थिंक 75 रुपीज़ है, लेकिन हाँ ये अफोर्डेबल काजल तो है, लेकिन अगर आप इसे अपने आई एरिया में यूज़ करेंगे, जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ काजल, तो ये स्मज करता है, इसलिए मैं इसे मोस्टली पसंद करती हूँ अपने आई शेडो बेस की तरह, बिकॉज हमें वहाँ पे स्मजिंग करनी ही होती है, तो ऑलरेडी से वो वहाँ पे अच्छा वर्क करेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्मज करता है, तो एज अ काजल तो ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन अगर आई शेडो बेस के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस काजल को परचेज कर सकते हैं। तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ अपने लोअर एंड वाटर लाइन पे, लोअर एंड अपर वाटर लाइन पे। देन मैं एक स्मजर ब्रश ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, उससे थोड़ा सा स्मजिंग कर रही हूँ, बिकॉज मैं कोई भी काजल वाजल यूज़ नहीं कर रही हूँ ना, तो मैं आईलाइनर वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रही, तो थोड़ा सा स्मजिंग करके थोड़ा आईज़ को अपने बोल्ड लुक दे रही हूँ, बिकॉज क्योंकि ये डेली एवरीडे काइंड ऑफ लुक है, तो इस वजह से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। अगर ये काजल स्मज नहीं, बहुत ज़्यादा स्मज नहीं करता, तो मैं नॉर्मल इसे नीचे तक लगाती, लेकिन स्मज करता है, इसलिए मैंने स्मजिंग किया है इसे। अब मैं जो भी लेफ्ट ओवर था उसी को मैंने अपने आईब्रोज फिल इन करने के लिए यूज़ कर लिया, तो ये एक अच्छा हैक भी हो गया। अब मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये स्मज करता, तो लिटरली अभी से स्मज करना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने इसे सेट किया हल्का सा कॉम्पैक्ट से, लेकिन अगर आप चाहें तो ब्लैक आई शेडो मैट कलर का, मैट जो होता है ब्लैक कलर का, आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। अब मैं यहाँ पे गब USA का आईलैश कर्लर ले रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा है, आपने देखा इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी थी, और साथ ही साथ इसमें जो आईलैश कर्लर का जो बैंड होता है, रबड़ होता है, वो दो इन लोग देते हैं पैकेजिंग में, काफ़ी अफोर्डेबल भी है, और इसका जो स्पंज है वो फटता भी नहीं है, तो बहुत मुझे पसंद आया ये। अब मैं मस्कारा यूज़ करूँ, आप कोई भी ब्रांड का मस्कारा अप्लाई कर सकते हैं अफोर्डेबल रेंज में, लेकिन मुझे ना मेबलिन जो होते हैं ना, वो मस्कारा के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्रांड है, ओनली फॉर मस्कारा मेबलिन इज़ अमेजिंग, बहुत अच्छा वर्क करता है, तो मैं इसे अप्लाई करूँगी, 2 coats ऑफ मस्कारा मैं अप्लाई करूँगी एवरीडे में, मस्कारा डेफिनेटली हमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी इफेक्ट देता है, आपकी आईज़ बिल्कुल ओपन अप हो जाती है, एज यू कैन सी, और मैंने दोनों
आईज पे अप्लाई कर लिया है 2 coats ऑफ हैवी मस्कारा। अब मैं अपने लिप्स को थोड़ा न्यूड रख रही हूँ, इसलिए मैं NYB का लिप क्रॉन इन द शेड 11 नंबर यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा सा ब्राउन कलर है, बट आई डोंट नो व्हाई ये कैमरा में क्यों पिंक कलर दिख रहा है। थोड़ा सा न्यूड कलर बहुत परफेक्ट है। अब इसी को मैं अपने चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ, तो क्या होगा ना, पिंक पिंक आपका नहीं दिखेगा। ब्राउन कलर है तो ये थोड़ा सा न्यूड आपके चीक्स बोन को कर देगा। एवरीडे के लिए अगेन एक अच्छा हैक हो जाता है कि आप पिंक ब्लश यूज़ मत कीजिए, आप न्यूड ब्लश यूज़ कीजिए, तो फेस भी शार्प कॉन्ट्रोल्ड हो गई। तो बहुत सिंपल सा लुक है और ये कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं सोनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।